नमस्कार प्यार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म युवस्तमर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि प्यार दोस्तों, सभी को पता है कि आपकी जो जेट के एग्ज़ाम है उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या इसकी फॉर्म डेट रहने वाली है और कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और जो आपका दूसरा जो एग्ज़ाम है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए क्या अपडेट है सिलेबस को लेते हुए, आज इन दोनों विषयों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो बच्चे राजस्थान बोर्ड के हैं उनका जो जेट का एग्ज़ाम है वो 2 जून को होने जा रहा है। ये आपको पहले ही मैंने आपको वीडियो के तहत बता दिया, पिछले जो वीडियो हैं उनके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो फॉर्म है आपका वो कब स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखो, जो जेट का फॉर्म है वो 14 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। 14 मार्च से जेट का फॉर्म आप भर सकते हैं, और एंडिंग जो डेट है उसकी वो है 15 अप्रैल। अर्थात 15 अप्रैल लगभग एक महीने का आपको टाइम मिलेगा, तो आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं राजस्थान बोर्ड के बच्चों की बात करूं तो उनकी जो एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर वाले बच्चों की, वो एग्ज़ाम 28 मार्च तक है। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आपकी जो एग्ज़ाम है उसको ख़त्म हो जाने दो, इसके बाद भी आपके पास काफ़ी 17-18 दिन का टाइम मिलेगा, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर फॉर्म के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करते हैं अपन, तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं, एक तो आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर आपके साथ रहता ही हमेशा ही। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि आपका जो आधार कार्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए, आधार कार्ड के अंदर कोई गलतियाँ हैं तो उसको करेक्शन करवा लेना। नेक्स्ट बात करें अपन जाति प्रमाण पत्र, जो बच्चे OBC के अंदर आते हैं तो उनका अपडेट होता है जाति प्रमाण पत्र, तो वो बच्चे उनको अपडेट करवा ले। एक जो समस्या आती है कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो पुराना होता है, तो पुराना है तो उसको रिन्यू करवा ले नए फॉर्मेट के अंतर्गत। एक जो समस्या ये आती है कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है सेंट्रल का लगेगा या फिर स्टेट का लगेगा, तो मैं बता दूँ आपको, यदि आपके पास सेंट्रल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल का नहीं है तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, सेंट्रल का बनवा ले। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर और क्या चाहिए होंगे। तो देखो, फोटो हो गया आपका, सिग्नेचर हो गया, आधार कार्ड हो गया, एक आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो हो गया, और एक जो आपकी बैंक की पासबुक है। मैं कहूँगा आपसे इस चीज़ के लिए स्पेशली कि आपकी जो बैंक की पासबुक है आप स्वयं का ही अकाउंट बनाओ, आराम से एक दिन लगता है, आराम से आप बनवा सकते हैं। तो ये फॉर्म आपके कंप्लीट होने चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो एग्ज़ाम जो डेट है वो आपको पता ही है जेट की, वो लगने वाली एग्ज़ाम 2 जून को। मैंने पहले आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर जेट की इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे चुका हूँ। जो फॉर्म है वो 14 मार्च से स्टार्ट होंगे, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इसके स्टेप्स रहेंगे, उसके बारे में जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा तो कंप्लीट मैं स्टेप बाई स्टेप आपको वो चीज़ें लेकर आऊँगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका एग्ज़ाम है ICAR एग्ज़ाम है उसके लिए क्या अपडेट है। ICAR एग्ज़ाम लगता नहीं है, लेकिन ICAR किसके अंदर आता है, CUET के अंदर लगता है। तो ICAR जो आपका बोर्ड है वो अभी CUET के अंदर अपडेट नहीं हुआ है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म लगा दिया CUET का वो विशेषकर ध्यान रखें कि अपडेट होता है आपके फॉर्म में, एक अपडेट आएगा और उस फॉर्म को अपडेट जरूर करना है, तो पक्का ICAR का एग्जाम छूट जाएगा। मात्र आपके साथ क्या रहेगा, BHU रहेगा। तो मैं ये कहूँगा जो आपका CUET का जो आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर ICAR का अपडेट आते ही आप ICAR का उसमें जो ऑप्शन आएगा उसको क्लिक जरूर करना, उसके बाद में सेव कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं CUET का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो जो CUET का सिलेबस है प्यारे दोस्तों, वो आपका अभी नहीं आया है। जैसे आप साइट को विजिट करेंगे तो उसके अंदर एरर दिखा रहा है सिलेबस को लेते हुए। पहले क्या हुआ था, जैसे इन्होंने अपडेट डाला फॉर्म के लिए तो उस टाइम पे इन्होंने जो पुराना जो सिलेबस है यों की अपडेट कर दिया, लेकिन अब मैं लगातार उनको चेक कर रहा हूँ, जो इनकी वेबसाइट है उनको चेक कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ऐसा कोई अपडेट है नहीं है। मैं बोलूँगा कि जो सिलेबस है आपका इस बार वास्तव में चेंज होने वाला है, क्योंकि कम जो लेसन हटाए गए हैं, मेरे केमिस्ट्री की बात करूँ मैं तो लेसन जो हटाए गए हैं उनको हटाने के बाद जो सिलेबस बचता है 12th का बहुत कम बचता है, और उनमें से 50 क्वेश्चन बनाना वास्तव में टफ काम है। इसलिए वो सिलेबस अपडेट होगा, अब कब तक आता है तो उसके लिए वेट करना ही पड़ेगा, अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन के माध्यम से जो CUET बोर्ड है उसके लिए एक छोटी सी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो ये
सिलेबस है, आप फॉर्म कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से फॉर्म डेट डालो कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग अपने हिसाब से कराओ, लेकिन जो सिलेबस है उसको कम से कम पहले जारी करो आप। क्यों? क्योंकि आप 20 दिन पहले 50 दिन पहले सिलेबस को अपडेट कर रहे हो तो बच्चे मशीन नहीं है कि आप जब अपडेट करोगे तब हैंड टू हैंड वो सिलेबस को पढ़ लेंगे। शायद मैं अपनी केमिस्ट्री की बात करूँ, एक चैप्टर को पढ़ने में कम से कम 20 दिन का समय लगता है, और 20 दिन के अंदर मतलब आप 40 दिन पहले भी डाल रहे हो तो कम से कम 2 या 2.5 पाठ ही कंप्लीट हो पाते हैं बच्चे के, तो उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें, अपनी मनमानी ना करें, और कृपया करके जो आने वाले एग्जाम हैं 2025 का एग्जाम है सीयूटी का, तो इसके अंदर सिलेबस जल्दी से जल्दी आप अपडेट करें। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका बैचेज है यहाँ पे। अच्छा, जेट की जो विज्ञप्ति है उसके बारे में बात करें अपन, तो देखो यहाँ पे विज्ञप्ति में क्लियर लिखा हुआ है, ये 9 तारीख को अपडेट हुई विज्ञप्ति, जेट जो आपकी यूनिवर्सिटी है जोधपुर यूनिवर्सिटी, तो उसने ये विज्ञप्ति जारी की है। देखो जेट की जो एग्ज़ाम है वो कब लगेगी भाई, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है क्लियर, 2 जून को आपकी जो जेट की एग्ज़ाम है वो होने जा रही है। एक बार देखेंगे, एक बार जेट की जो एग्जाम है आपकी वो 2 जून को होने जा रही है, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 14/3/2024 से स्टार्ट होगा, और आपका जो एग्जाम दिनांक है ऑनलाइन फॉर्म का एंडिंग वो 15/4/2024 का है, अर्थात 15 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं किसका, जेट का। अगर और यदि जानकारी लेना आपको तो आपकी जो वेबसाइट है, यहाँ वेबसाइट लिखी हुई है देखो, www.jetauj2024, अर्थात थोड़ा सा अपडेट देखने मिला है आपको, 23 की जगह 24 से मात्र, वेबसाइट पुरानी है, तो 24 लगा के आप .com करके वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यदि मान लो आपको फॉर्म छूट जाता है 14 के बाद तो 18 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको लेट फीस देनी ही पड़ेगी, वो ₹500 चार्ज होगा, जो भी होगा देख लेना आप। ये तो रही किसकी बात भाई, जेट की बात। अभी सिलेबस क्या रहेगा जेट का, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आगे शेड्यूल रहेंगे इसके, तो जैसे ही फॉर्म आएगा उसके बारे में आपको अपडेट करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीयूटी के बारे में, तो हमारे जो क्रैश कोर्स है जेट और सीयूटी दोनों के लिए वो 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं उनकी जो एग्ज़ाम है, 28 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी बच्चों की, और 29 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों की जो एग्ज़ाम है 28 तारीख ख़त्म हो रही है जेट की 12वीं की, और 29 तारीख से हमारा जो बैच है सीयूटी और जेट को लेते हुए वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे 3 बैचेज हैं, 29 तारीख को है, 1 अप्रैल को है, 1 4 अप्रैल को है, आप जो चाहें वो बैच अटेंड कर सकते हो। एक जो बैच है, पहला वाला जो बैच है, इस बैच की यदि बात करें अपन 29 मार्च की यदि बात करें, तो 29 मार्च को जो दौसा के बच्चे हैं या फिर हमारे आसपास के बच्चे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, वो अटेंड कर सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप 1 अप्रैल और 4 अप्रैल आपके लिए दी बेस्ट टाइम रहेगा, आराम से आप आराम 1-2 दिन वेट करके आप आ सकते हो इस बैच के अंदर। यहाँ जो टाइम शेड्यूल है देखो, जो बच्चे 29 तारीख को अटेंड करने जा रहे हैं उसका तो 7:30 और 11:00 से 2 बैचेज हैं, वो अटेंड कर सकते हैं। यहाँ जो 1 अप्रैल को बच्चे आएंगे वो 8:00 और 11:00, यहाँ 2 बैचेज हैं, यहाँ भी अटेंड कर सकते हो आप। और अगर आपको मान लो दोपहर में बैच अटेंड करने हैं तो 4 अप्रैल से आप बैच अटेंड कर सकते हो, जिसका टाइमिंग 2:00 से और दूसरा बैच 2:15 पे है, तो टोटल 6 बैचेज हैं, आप अपने अपने हिसाब से इन बैचों को अटेंड कर सकते हैं। ये बैच सीयूटी और जेट दोनों के लिए रहेंगे, अलग अलग बैचेज रहेंगे, आप आराम से इनमें आके पढ़ाई कर सकते हो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो उनके लिए मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप इस टाइम पे ऑनलाइन को छोड़ें। देखो ऑनलाइन एक था प्लेटफॉर्म तब तक जब तक हम घर पे थे, जब तक हम घर के अंदर पैक थे। समस्या है हमारे सामने वो ये है कि पैक तो हो गए लेकिन आपके हाथ में एक एटम बम है, साइलेंट एटम बम, वो है आपका फोन। मैं मानता हूं कि मेरी जो अपडेट है वो भी आपको फोन के माध्यम से ही मिल रही है, लेकिन ये जो आपका फोन है वो वास्तव में एक परमाणु हथियार है जो आपके लिए यूज किया गया है। क्योंकि आपको पता है पढ़ाई करते वक्त आप कितने टाइम तो पढ़ाई करते हो और कितना टाइम अदर सोशल मीडिया को आप देते हो। तो मेरा तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपको इस बार जेट के लिए सीयूटी के लिए अच्छा टाइम मिल रहा है, 65 दिन का लगभग टाइम मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ आप क्लास
हैं तो डेफिनेट आप टीचर के एक तो निगरानी में रहते हैं और आपको वो हर चीज़ सीखने मिलती है जो बच्चा क्लासरूम में सीखता है। बाकी ऑनलाइन जो है, अगर बहुत ज़्यादा गरीब बच्चा है कि ठीक है व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, घर से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न कहना है कि आप यदि ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए ऑफलाइन बैच को अटेंड करने की, डेफिनेट आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे बैचेस की बात रही। अगर सीयूटी का जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं अभी, उनका डेट अभी चल रहा है एग्जाम फॉरम डेट, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्म था आपका निकला हुआ वो 27 फरवरी से स्टार्ट है फॉर्म आपका, और 26 मार्च तक आपका फॉर्म ये चलेगा। तो जो इन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है सीयूटी का, वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी आईसीआर अपडेट नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट करके भरेंगे तो डेफिनेट आपको आईसीआर देखने मिलेगा। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये थोड़ा चल रहा होगा कि सर जैसे आईसीआर अपडेट होगा तो क्या फॉर्म डेट भर सकती है, तो मैंने तो आपको उस वीडियो के अंदर बता दिया था कि यहाँ से ये फॉर्म डेट कम से कम 10 से 12 दिन बढ़ेगी, 10 से 12 दिन सीयूटी की फॉर्म डेट बढ़ेगी क्योंकि आईसीआर अपडेट नहीं हुआ है। क्लियर, तो इसलिए निश्चिंत रहे, अगर आईसीआर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको डेफिनेट आपके फॉर्म के अंदर टाइम दिया जाएगा। क्लियर, क्या एग्जाम डेट भर सकती है क्या? बिल्कुल, मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया कि एग्जाम डेट भी कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम और भर सकता है एग्जाम डेट के अंदर। क्लियर, यह जो एग्जाम डेट है वो आपको दिया गया बिटवीन 15 मई टू 31 मई, अर्थात 15 मई से 31 मई तक आपके एग्जाम लगेगी, लेकिन मैं बोलूंगा आपको कम से कम ये 10 जून तक आपके एग्जाम जाने वाली है। नेक्स्ट बात करें, आप सीयूटी का जो बच्चा एग्जाम फॉर्म भर रहा है वो अगर फीस की बात करें तो जनरल की 1000 रुपये है ही। नेक्स्ट बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, वो 900 रुपये है। एससी एसटी की बात करें तो 800 रुपये है। अगर कोई इंडिया से बाहर का बच्चा इसको एग्जाम को फॉर्म भरता है तो उसके लिए 4500 रुपये है। तो ये आपका कंप्लीट रहा सीयूटी और जेट के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब बात आती है कि जेट के फॉर्म फीस क्या रहेगी, तो इस बार का जैसे ही अपडेट रहेगा और अपडेट जैसे ही फॉर्म फिल होंगे तो उसकी स्टेप बाई स्टेप आपका क्या चालान कटने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भरे उसमें फिलअप होंगे, तो वो सारे स्टेप बाई स्टेप आपको मैं समझाऊंगा अगली वीडियो के अंदर। 15 तारीख को लगभग 14 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 14 को शाम को या फिर 15 तारीख को आपको सुबह ही वो वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए यूएस तमर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।